नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार कर्नाटक ने जीता फाइनल मुकाबला। रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को एक रन से हराया। देखिए पूरा स्कोर कार्ड और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो अंतिम ओवर था ना वो बड़ा ही रोमांचक रहा। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक ही रन से मात्र तमिलनाडु की टीम जीती है, तो आखिरकार क्या हुआ होगा अंतिम ओवर में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और वहीं अगर आप भी मनीष पांडे को और विजय शंकर को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सूरत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने तमिलनाडु को रोमांचक मुकाबले में एक रन से हरा दिया। वहीं इस तरह कर्नाटक की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता बन गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि कर्नाटक की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की इस साल की विजेता रही। वहीं इस मैच में तमिलनाडु के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर कर्नाटक को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। वहीं फिर ऐसे में क्या था, कर्नाटक की टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए और वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए, जिसमें से उनकी टीम के कप्तान मनीष पांडे ने सर्वाधिक 60 रनों की कप्तानी पारी खेली और उनके अलावा रोहन कदम ने 35 रन और देवदत्त पडिक्कल ने 32 रन बनाए। बाकी आप यहां पे स्कोर कार्ड को देख सकते हैं, मयंक जो थे वो 0 रन पर ही आउट हो गए और करुण ने 17 रन बनाए और केएल राहुल भी फ्लॉप साबित हुए, उन्होंने 15 गेंदों में 22 रनों की ही पारी खेली। तब इसी के चलते तमिलनाडु को जीतने के लिए यह मैच 181 रनों का लक्ष्य मिला। तो अब तमिलनाडु की टीम 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और वहीं तमिलनाडु की पूरी टीम मात्र 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी, जिसमें से उनके लिए विजय शंकर ने 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और विजय शंकर के अलावा बाबा अपराजीत ने 40 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें से उन्होंने 3 छक्के लगाए, लेकिन वो अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके और उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि एक रन से तो भले ही तमिलनाडु की टीम हार गई लेकिन अंतिम ओवर में क्या हुआ होगा, तो आइए चलिए जानते हैं कि अंतिम ओवर का रोमांच क्या था। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु को अंतिम ओवर में जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर रवि अश्विन और विजय शंकर मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर 4 गेंदों में 10 रन तो बना लिए थे लेकिन 5वीं गेंद पर विजय शंकर जल्दबाजी में रन आउट हो गए। तो इसके बाद अंतिम गेंद में तमिलनाडु को अब जीतने के लिए 3 रनों की ही जरूरत, लेकिन मुरुगन अश्विन एक ही रन बना सके। तो अब इसी तरीके से तमिलनाडु की टीम ने एक रन से इस मैच को हार लिया। तो वहीं इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम रही, कर्नाटक की टीम रही और कर्नाटक के लिए रोनित मोरे ने 2 विकेट लिए जबकि श्रेयस गोपाल, कृष्णप्पा गौतम और जगदीश सुचित ने एक एक विकेट लिया और इस मैच में टोटल मिलाकर 360 रन बने। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों ने क्या ये मैच टेलीविजन स्क्रीन पर देखा था लाइव? अगर देखा होगा तो आपको जरूर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।